हेलो एवरीवन वेलकम टू वात्सल्य सो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके लिए है ये जो नोटिफिकेशन है वो निकली है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आप इसमें अपॉइंट हो सकते हैं फॉर द जनरल ड्यूटी टेक्निकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फॉर द बैच ऑफ 2026 बैच के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन भरे जाएंगे आप एप्लीकेशन कब से कब तक भर सकते हैं दैट इज द डेट फिफ्थ ऑफ डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर से लेकर ट्वेंटी फोर्थ ऑफ डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक आप ये एप्लीकेशन फॉम्स जो है वो भर सकते हैं जो इंडियन कोस्ट का जो है वो आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन ऑफर्स अ वाइब्रेंट करियर टू द यंग एंड द डायमिक डायनिक इंडियन मेल कैंडिडेट फॉर द वेरियस ब्रांचेस एज एन असिस्टेंट कमांडेंट की है और ये जो ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर की है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भरे जाएंगे और जो ये जो फॉर्म्स है रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आपको इस वेबसाइट को देखने इस वेबसाइट में देखने को मिल सकते हैं कब से फ्रॉम फिफ्थ ऑफ डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर से ठीक है अब इसमें बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया की तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया रखा गया है क्या एज लिमिट रखी गई है फॉर द ब्रांच ऑफ जर्नल ड्यूटी दैट इज जी डी और टेक्निकल मैक मैकेनिकल के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या क्या एज uh, क्राइटेरिया रखा गया है तो बात करते हैं सबसे पहले जीडी की तो एज जो क्राइटेरिया है वो रखा गया है ट्वेंटी वन से लेकर ट्वेंटी फाइव ईयर्स के बीच में बच्चे की एज होनी चाहिए जैसे कि ये दो डेट्स जो दे रखी हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट जुलाई दो से लेकर थर्टी जून 2004 के बीच में अगर आप इस डेट के अंदर आते हैं तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के और पाँच साल का रिलैक्सेशन रे, दिया गया है फॉर द सर्विंग कोस्ट गार्ड में जो भी सर्विंग है उनके लिए पाँच साल का रिलैक्सेशन है इसमें दिया गया है ये जो पोस्ट है दैट इज़ ओनली फॉर मेल मेल कैटेगरी के लिए ही है फीमेल के लिए ये नहीं है और बात करें अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आपके पास कोई भी डिग्री हो कोई भी ग्रेजुएशन हो किसी में भी ग्रेजुएशन में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बट इसमें एक क्राइटेरिया है ये कि आपके पास क्लास ट्वेल्थ में फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए ये इंपॉर्टेंट है अगर किसी भी चीज़ में आपकी ग्रेजुएशन है दैट वेल एंड गुड ठीक है ग्रेजुएशन लेकिन जो ट्वेल्थ में स्टैंडर्ड में ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आप के पास जो है वो दो सब्जेक्ट्स बहुत जरूरी हैं मेनली दैट इज मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ठीक है नेक्स्ट इस टेक्निकल टेक्निकल की बात करें तो इसमें आता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इसमें भी एज क्राइटेरिया है ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स और बच्च जो बॉर्न बिटवीन फर्स्ट जुलाई दो हज़ार से लेके थर्टीथ जून दो हज़ार चार के बीच में जो बच्चे इसमें लाई करते हैं वो एलिजिबल हैं पाँच साल का रिलैक्सेशन है फॉर द पर्सनल सर्विंग इन कोस्ट गार्ड में जो सर्विंग है उनके लिए पाँच साल का रिलैक्सेशन है और अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की तो शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम भी किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से चाहे वो नेवल आर्किटेक्चर की हो मैकेनिकल की हो मैरिन की हो या फिर एरोनॉटिकल या एरोस्पेस की हो ठीक है जो इसमें जो इंजीनियर डिग्री में वो इसमें रिलेट कर सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं अब बात करें कि वैकेंसीज़ कितनी असिस्टेंट कमांडेंट 2026 के बैच के लिए तो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज इसमें दे रखी है तो पोस्ट जीडी के लिए वैकेंसी 110 है टेक्निकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए 30 है एंड एससी के लिए 30 ये कैटेगरी दे रखी है इस बार ईडब्ल्यूएस में भी चार वैकेंसीज़ दे रखी हैं टोटल इज़ वन फोटी टोटल uh, वैकेंसीज इसमें आई हैं तो कैटेगरी uh, वाइज क्या क्या कितनी कितनी वैकेंसीज दे रखी हैं ये आप इसमें देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया अब इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह होता है ये जो सिलेक्शन uh, प्रोसेस है वो फोर फाइव स्टेजेस में लिया जाता है फाइव स्टेजेस क्या क्या स्टेजेस हैं तो फर्स्ट स्टेज है दैट इज़ कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट दैट इज सी जी सी ए टी ये जो टेस्ट है ये आपके आ, आता है हंड्रेड क्वेश्चन आते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और हर जो क्वेश्चन होता है ईच कैरी फोर मार्क्स एंड कोई भी करेक्ट इनकरेक्ट के ऊपर आपकी एक नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है अब इसमें सी जी सी ए टी में सब्जेक्ट वाइज की बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं दैट इज़ इंग्लिश है रीजनिंग है जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज हर एक जो सब्जेक्ट है वो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव मार्क्स का होता है ड्यूरेशन दो आवर्स दो घंटे की ड्यूरेशन आपको इसमें दी होती है अब बात करें सेकेंड स्टेज में सेकेंड स्टेज कौन सी है दैट इज पी एस बी दैट इज प्री प्रीमिलरी सेलेक्शन बोर्ड ठीक है ये जो है पी एस बी ये कंडक्ट कर, करवाया जाता है इन शहरों में दैट इज़ नोएडा जो सेकेंड स्टेज है पी एस बी की जो सेकेंड स्टेज है वो कहाँ कंडक्ट करवाई जाती है इन सेंटर्स में करवाई जाती है यही इन्हीं सेंटर्स में आपका एग्ज़ाम होता है दैट इज़ नोएडा मुंबई गोवा देन चेन्नई कोलकाता शिलोंग एंड गांधी इन्हीं सेंटर्स में जो है कैंडिडेट का पीएसबी का एग्ज़ा ये आ, होता है पीएसबी होता है ये कंप्यूटराइज कम्प्यूटराइज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट बोला जाता है और ये पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है इसमें इसमें जो है सी यानी ये जो है कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट ये जो है ये इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश में ही लिया जाता है एंड विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है लेकिन जो पी पी एंड डी टी होता है दैट इज़ पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट जो होता है इसमें कैंडिडेट को इंग्लिश uh, या हिंदी या दोनों में ही यूज़ करके ये एग्ज़ाम दे सकता है देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है फोर्थ साइड में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वह आप इसमें रीड आउट कर सकते हो और जो फिफ्थ स्टेड स्टेज है दैट इज इंडक्शन इंडक्शन में कैंडिडेट को फोर्थ जो स्टेज है वो क्लियर करके इंडक्शन होता है ये जो इंडक्शन है वो ए, एक नेवल ओरिएटेशन कोर्स करवाया जाता है नेवल अकेडमी के द्वारा ठीक है ये एक कोर्स uh, है uh, जो नेवल अकेडमी करवाती है बच्चे का उसके बाद uh, ये सारे होने के बाद एक एक मेरिट बनती है उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है ठीक है आप पर उसके बाद ये सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब आप इसमें रीड कर सकते हैं अब इसमें एक चीज़ और है कौन हाँ एग्ज़ामिनेशन फीस कितनी है एग्ज़ामिनेशन सिटी आप कौन सी भर सकते हैं ये सब चीज़ें इसमें आप रीड आउट कर सकते हैं अब एक और चीज़ है इसमें कि ये जो एग्ज़ाम है वो पूरा एक साल तक चलता है अब टेंटेटिव शेड्यूल दे रखा है ये एक परमानेंट नहीं है ये चेंज अप डाउन होते रहते हैं लेकिन ये एक टेंटेटिव आपको एक आई दे देता है कि कब कब आपका कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं तो जीडी और टेक्निकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो स्टेज फर्स्ट होती है दैट इज ऑन ट्वेंटी फिफ्थ फेब 2025, दूसरे स्टेज मार्च में 2025 तक हो जाएगी देन स्टेज थर्ड जो है वो अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच चलती है फोर्थ स्टेज में आपका आ जाता है ये मई से लेके नवंबर तक चलेगी और जो फिफ्थ स्टेज है दैट इज एंड ऑफ दिसंबर 25, तो आप मान लीजिए कि आपको पूरा एक साल इसमें लग जाता है ठीक है तो ये था आपका जो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो नोटिफिकेशन आई है असिस्टेंट कमांडेंट की वो ये इसमें क्या क्या दे रखा है क्या एज लिमिट है क्या क्राइटेरिया है कौन कौन सी स्टेजेस हैं कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस है ये सब चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं ठीक है जो इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ दे रखी है वो ये कि आप ये जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं वो कब से कब तक भर सकते हैं तो आप ये आपके जो ये ऑनलाइन फॉर्म्स हैं वो आपको आप वेबसाइट पर इस वेबसाइट पर आ, इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर फिफ्थ ऑफ दिसंबर 2024 से देखना देखने को मिल सकते हैं और जो भी एलिजिबल है जो भी कैंडिडेट जो एलिजिबल है जो इस क्राइटेरिया को फिल फिल आउट करते हैं वो इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर हैं ठीक है तो आई होप आपको आज का वीडियो ठीक अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच